करेंगे एंड इसमें लेयर स्किन टाइटनिंग भी कर देंगे, ठीक है। सो जो कट है की होल के अंदर, की होल का मतलब है सिर्फ एक ही कट के थ्रू, हम एंटायर सर्जरी कहते हैं। इसमें जो है यहाँ से कट आएगा, एक कट यहाँ से आएगा। सो जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ से हम फैट रिमूव करेंगे पहले, फिर ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करेंगे, देन लेजर स्किन टाइटनिंग करेंगे। ये होने के बाद एक मेल शेप चेस्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, लेकिन मेन क्या रहता है, मेन ब्रेस्ट टिश्यू रहता है, उसको कंप्लीट रिमूव करना है। सो वो कंप्लीट रिमूव करेंगे। शुरू में थोड़ा सा स्किन जो है सैक करता है, धीरे धीरे वो रिट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। सो उसको फाइनल रिजल्ट के लिए एटलीस्ट 1 to 3 months लगता है। सो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ये इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, ओके। सो किस एज में आपने सोचा था कि अभी मुझे बॉय बनना है, लड़का बनना है? तो 13 साल से ही सोच। 13 साल? और कौन सी जगह से आए हो? हैदराबाद से। एंड हमारे क्लिनिक के बारे में, डिजायर क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला? ये वीडियोस तो यूट्यूब पे देखे थे। तो काफी सारे रिसर्च किए थे दूसरे क्लिनिक के बारे में। तो पहले तो दूसरे क्लिनिक को जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आपका जो वीडियो मिल गया तब से आपको फॉलो करने के लिए लग गए और आपका बहुत ज्यादा पसंद आया, तो वो पूरा का पूरा की होल पे ही हो रहा है ना, इसलिए तो आपको चूज कर लिया। ओके, सो आपने फैमिली को कब बताया कि मुझे अब जो है लड़का बनना है? फैमिली को तो बहुत साल पहले ही पता था, बीटेक होने के बाद जो है 2013 में तो बता दिया था, लेकिन वो तो खुश नहीं थे। तो साल तो बाहर आना पड़ा लेकिन वो भी ट्राई करे थे दूसरे पहनने के। बॉडी जो है मेरी, इसमें कोई लड़की जैसा कुछ करेक्ट है ऐसा कभी नहीं लगा, राइट? कभी नहीं। ओके, हमेशा जो है लड़कों जैसी फिंग थी, लड़कों जैसा ड्रेस रहना, लड़कों जैसा घूमना। पूरा लड़का जैसा ही है बचपन से ही। ओके, सिर्फ गर्लफ्रेंड्स तो है इतना ही, लड़कियां कितना जो बहुत सारे थे, कम के अभी कम कर दी। अब तो एक ही है। एक ही है अजय, तो मतलब गर्लफ्रेंड बनाने में दिक्कत नहीं आई? नहीं नहीं आती। ओके, ठीक है। तो इसको आपको डिसीजन लेने में कितना टाइम लगा कि आपको अभी जो है मुझे चेंज होना है, ये जेंडर डिस्फोरिया कुछ होता है, ट्रांसजेंडर कुछ होता है? डिसीजन तो कभी तो लिए थे, लेकिन सर्जरी करवाने के लिए उतना हिम्मत नहीं था। तो कैसे आया? सोच के और उम्र बढ़ता जा रहा है, नेक्स्ट पता नहीं कब शुगर आएगा या कुछ। उम्र इतना कितना हो गया अभी? 30 ही तो हुआ है अभी, कौन सा उम्र हो गया? पता नहीं, शुगर के बाद करवाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो जल्दी नहीं होगा। सो ये डिसाइड कर लिया, इसलिए हिम्मत करना पड़ा। तो अभी खुद से इंडिपेंडेंट, तो उन्होंने क्या लगा कि तुम गलत कर रहे हो? नहीं किया आपने कि मेरा कुछ है ही नहीं, मेरी बॉडी अलग है, मेरा माइंड अलग है? वो तो 7 साल से चला है और छोड़ दिया उन्होंने कहा तुम गलत कंपनी में चले गए, उन्हें लगता है कि तुम गलत बन गए हो। हैं तो अभी वर्क करते हो आप? हाँ, वर्क करते हैं, इसलिए तो देरी हो गया कि ऑफिस के काम से अब जो ले ऑफ हो रहे हैं ना, इसलिए तो हॉलिडे नहीं मिला है। अच्छा, कल काम करके निकलना पड़ा है यहाँ। ओके, अभी कितने दिन का हॉलिडे लिया आपने? हॉलिडे तो नहीं दिए, सिर्फ एक ही दिन सर्जरी बोले थे ना। हाँ, अब सर्जरी आज होने के बाद नाइट चले जाना है। जो भी जेंडर डिस्फोरिया है, फैमिली का स्ट्रगल, सोसाइटी का स्ट्रगल, फाइनेंशियली स्ट्रगल और साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। पहले तो आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि बेसिकली कि क्या चीज़ हो रही है, बॉडी के अंदर क्या हो रही है, एंड फिर उस बार सर्जरी का स्ट्रेस। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के बाद जो है आप निकल पाते हैं, कुछ ही लोग निकल पाते हैं, कुछ लोग वहीं पे रह भी जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से अवेयरनेस बढ़ रही है एंड आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, कम्युनिटी भी बनी हुई है। सो अब जो है अब आप डिसाइड कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, चाहे वो फैमिली है या नहीं है, क्योंकि आप इस बॉडी में नहीं रह सकते,
ये हमेशा लगता है ये ब्रेस्ट निकल जाए। हाँ वो तो लगता है हमेशा। तो इसको हाइड कैसे करते थे? बाइंडर्स पहनते थे। बाइंडर्स पहनते थे। ओके, सो 2023 में अब आपको बाइंडर पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंप्लीट शर्टलेस घूम पाएंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा रिकवरी टाइम रहेगा, थोड़ा डाउन टाइम रहेगा सर्जरी का, उसके बाद आप फ्रीली घूमेंगे। थोड़ा सा और वर्कआउट करिए, थोड़ा और मेल शेप चेस्ट बनाइए, एंड तो उससे धीरे धीरे ये बेटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गिनेस बहुत ज़्यादा सेगिनेस नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसमें शुरू में थोड़ा सा वो रहेगा, धीरे धीरे वो विद इन 1-2-3 मंथ में चला जाएगा, ठीक है। और जो एनेस्थीसिया ले रहे हैं उससे बाहर जाने कितना टाइम? इमीडिएटली आ जाते हैं, ठीक है। 2-3 आवर्स थोड़ा सा सिडेटिव रहेगा, थोड़ा नींद जैसा लगेगा, उसके बाद जो है नॉर्मली 4-5 आवर्स के बाद, ठीक है। और जो स्टिचेस आ रही है वो जरूरी है कि निकालना पड़ेगा? हाँ, वो डिसॉल्वेबल भी लगा देंगे, ठीक है। डिसॉल्वेबल कर सकते हैं, फिर से आना नहीं पड़ेगा? नहीं आने की जरूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। वही डाउट था कि स्टिचेस के लिए फिर से आना पड़ेगा, फिर से सीधे रहो, सीधे